गाइस वेलकम बैक टू न्यू वीडियो आप सबका स्वागत है चैनल पे तो आज के वीडियो में मैं आप लोग को इंट्रोडक्शन दूंगा अबाउट सेक्शन 498 ए ऑफ द इंडियन पेनल कोड इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि ये सेक्शन 498 ए किस क्राइम से डील करता है इसमें कौन ऑफेंडर होता है कौन गुनाह करता है और कौन विक्टिम होता है पीड़ित कौन होता है और जो ऑफेंड किया जिसने क्राइम किया है उसका सजा क्या है पनिशमेंट क्या है वो हम लोग इस वीडियो में जानेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को तो जैसे कि हम सब जानते हैं जेंडर बेस्ड वायलेंस जो है बहुत कॉमन फेनमिन है इंडिया में इसका ये मतलब है कि जो औरतें हैं वुमेन हैं वो, है, वो लोग वायलेंस सफर करती है फ्रॉम देयर हस्बैंड और इन लॉज जो अभी कॉमन हो गया है इंडिया में तो इस सिनेरियो में या फिर इस केस में जो क्रिमिनल लॉ है इंडिया का वो सिर्फ जो ऑफेंडर है उसको पनिश नहीं करना चाहिए मतलब कि उस जो ऑफेंडर है उसको भी पनिश करना चाहिए साथ ही साथ और एक चीज करना चाहिए क्या वो है जो विक्टिम है उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए ताकि जो वमेन है वो सेफ रहें और इस क्राइम के शिकार ना बने इस गुनाह के शिकार ना बने ठीक है तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि सेक्शन 498 क्या कहता है तो सेक्शन 498 ए ऑफ द इंडियन पेनल कोड डील्स विद द प्रोविजंस ऑफ क्रोएल्टी टू अ बाय हर हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ हस्बैंड सेक्शन डील करता है क्रुएल्टी टू बाय हर हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ हस्बैंड ये सेक्शन में ये कहा गया है कि जो कोई भी बीइंग द हस्बैंड चाहे वो हस्बैंड हो किसी वुमेन का या फिर उस हस्बैंड का कोई रिलेटिव हो जो उस वुमेन के साथ क्रूएल्टी करता है क्रूरता कर दिखाता है क्रूरता के साथ पेश आता है क्रूएल्टी, क्रूएल बिहेवियर होता है ओके okay. चाहे वो मेंटली हो फिज़िकली हो ओके okay. तो वो आदमी पनिश किया जाएगा विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू थ्री ईयर्स एंड शेल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन तो जो कोई भी क्रूरता के साथ अपने वाइफ के साथ पेश आएगा या फिर उसको मारेगा पीटेगा या फिर मेंटली या फिजिकली टॉर्चर करेगा या तो वो करे या तो उसका कोई रिलेटिव करे इन लॉस करे तो उस पर्सन को पनिशमेंट दिया जाएगा और उस पनिशमेंट में जेल हो सकता है विच में एक्सटेंड टू थ्री years, वो पीरियड तीन साल तक एक्सटेंड हो सकता है और उसको साथ में फाइन भी देना पड़ेगा ओके okay, अब हम लोग बात करेंगे इस सेक्शन में एक्सप्लेनशंस कुछ दिए हुए हैं एक्सप्लेनेशंस गिवन अंडर दिस सेक्शन रिगार्डिंग द मीनिंग ऑफ क्रुएल्टी अब इसमें क्रुएल्टी का मतलब क्या है ज्यादा डिटेल में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम लोग से बात करेंगे क्रुएल्टी क्या कवर करता है विथ केस लॉ अभी ये सिर्फ वी इंट्रोडक्टरी वीडियो है कि सेक्शन 498 है क्या नेचर क्या है इसका ओके और इसेंशियल इनग्रीडियंट क्या है तो इसमें पहला पॉइंट आता है एनी विलफुल कंडक्ट विच इज ऑफ सच अ नेचर एज इज लाइकली टू ड्राइव द वुमेन टू कमिट सुसाइड हजबेंड का कोई एक ऐसा विलफुल कंडक्ट ऐसा नेचर कहो जो वो ऐसे टॉर्चर करे या फिर ऐसा मेंटली या फिजिकली उसको टॉर्चर करे क्रुअल बिहेवियर करे उसके साथ जिससे वुमेन सुसाइड कमिट करे या फिर जो औरत है जो वुमेन जो वाइफ है उसको अपने लाइफ लीमेन हेल्थ का डेंजर हो वेदर मेंटल और फिजिकल सेकेंड पॉइंट आता है हैरासमेंट ऑफ द वुमेन वेयर सच हेरासमेंट इज विथ अ व्यू टू फोर्सिंग हर टू मीट एनी अनलॉफुल डिमांड फॉर एनी प्रॉपर्टी और वेल्यूबल सिक्योरिटी ठीक है सेकेंड पॉइंट क्या है कि उस वुमेन को हेरास करना किस रीजन से रीजन है कि कोई अनलॉफुल डिमांड को फुलफिल करना जैसे कि प्रॉपर्टी के लिए डिमांड करना होता है अनलॉफुल डिमांड फॉर एनी प्रॉपर्टी और कोई वैल्यूएबल प्रॉपर्टी है या सिक्योरिटी या वैल्यूफुल वैल्यूएबल आइटम है उसके लिए और इज ऑन अकाउंट ऑफ फेलियर बाय हर और एनी पर्सन रिलेटेड टू हर टू मीट सच डिमांड ठीक है एक्सप्लेनेशन पार्ट हो गया अब लोग जाएंगे एसेंशियल क्या है एसेंशियल का अगर बात करें तो सेक्शन फोर ए जो है वो रिकोगनाइज करता है डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एज अ क्राइम और इस सेक्शन को अप्लाई होने के लिए सर्टेन कंडीशंस आर रिक्वायर्ड टू बी मेट वो रीजंस, वो कंडीशंस क्या क्या है पहला है कि वो जो वाइफ है जो विक्टिम है शी शुड बी अ मैरिड वुमेन वो शादीशुदा होनी चाहिए दिस प्रोविजन वॉज एडेड टू शील्ड वाइफ्स प्रोटेक्ट वाइफ्स एंड फीमेल रिलेटिव फ्राम एब्यूजिव ट्रीटमेंट्स एट देंड ऑफ देयर हजबेंड एंड और मेयर रिलेटिव सेकेंड पॉइंट आता है, क्या है कि उस वुमेन के साथ कोई ब्रुटलिटी हुआ हो हेरासमेंट हुआ हो टॉर्चर हुआ हो ऐर मेंटल या फिजिकल द टर्म क्रुएलिटी कैन रेफर टू अ वाइड वरायटी ऑफ बिहेवियर जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा टू डिमांड अ डाउरी इज हार्श इन एंड ऑफ इट सेल्फ और सच ब्रूटल हेरासमेंट शुड हैव बीन डेमोन्स्ट्रेटेड और जो हैरासमेंट हुआ है कौन किसने किया होगा रिक्वायरमेंट क्या है कि हस्बैंड के फैमिली में से कोई या तो हस्बैंड खुद ओके okay? अब हम लोग बात करेंगे नेचर ऑफ ऑफेंस अंडर सेक्शन 498 ए नेचर से पहले मैं आपको बता दूं जो मैं आपको फर्स्ट स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि इसमें हम लोग जा रहे हैं विक्टिम कौन है कौन ऑफेंडर है तो दो का तो आपको आंसर मिल गया चलो तीन का भी मिल गया पनिशमेंट भी मैंने आपको बता दिया ठीक है तो आंसर क्या क्या है इसमें विक्टिम कौन है द वाइफ और ऑफेंडर या क्रिमिनल या फिर जो क्राइम करता है गुनहगार कौन है इसमें या तो हस्बैंड या तो उसका कोई रिलेटिव इन लॉस ओके और पनिशमेंट क्या है थ्री इयर्स है जेल एक्सटेंड हो सकता है पीरियड थ्री इयर्स तक और साथ ही साथ उसको फाइन भी देना पड़ेगा अब हम बात करेंगे नेचर जो ये नेचर है सेक्शन फोर एट का इसका तीन पॉइंट है पहला है कॉग्निजल ऑफेंस कॉग्निजिबल ऑफेंस मतलब कि पुलिस जो है, वो वारेंट कर सकता है इस केस इज रिपोर्टेड अंडर सेक्शन 498 नाइनटी एट ए आर कॉग्निजिबल इफ द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू तो द कमीशन ऑफ द ऑफेंस इज गिवेन टू तो द ऑफिसर ठीक है नॉन बेलेबल इसमें बेल नहीं मिलेगा इफ अ ट इज लॉज अंडर सेक्शन फोर नाइनटी एट ए द मैजिस्ट्रेट कैन रिफ्यूज बेल मैजिस्ट्रेट जो है, कर सकता है इस सेक्शन के अंडर अगर कोई केस है तो एंड सेंड द एक्यूज टू कोर्ट और पुलिस कस्टडी फॉर अ बेल हियरिंग अब आखिरी आता है नॉन कंपाउंडेबल दैट मीन्स ये इसको बाहर हम लोग सेटल नहीं कर सकते द ऑफेंस अंडर सेक्शन फोर नाइनटी एट एफ द इंडियन पेनल कोड इज नॉन कंपाउंडेबल मतलब कि दैट द केस कैनोट बी सेटल्ड आउटसाइड द कोर्ट विद द एक्सेप्शन इसमें एक्सेप्शन है कि आंध्र प्रदेश में वेयर द दिस चार्ज वेर दिसली बिन कंपाउंडेबल ठीक है तो ये नेचर मैंने आपको बता दिया अब अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्रुएल्टी क्या क्या उसमें हो सकता है क्रुएल्टी के अंदर क्या, क्या क्या कवर्ड है ओके साथ ही साथ मैं आपको केस लॉज भी डिस्कस करूंगा जिससे आपको समझने में और आसानी होगा ओके आज का वीडियो मैं यहीं तक रखता हूँ अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आपको और भी इंडियन पेनल कोड से रिलेटेड वीडियोस और भी मिलता रहे और कहीं भी डाउट आए इस वीडियो में कमेंट ज़रूर कीजिएगा तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ स्टे सेफ थैंक यू